हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस में जितने भी आपको लंबित परिणाम हैं वो आपको अब रिजल्ट आने वाले हैं धीरे धीरे अगले हफ्ते से। ये आज के न्यूज़पेपर में आया है दोस्तों, तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यूपी पीसीएस लंबित परिणामों की झड़ी लगेगी अब। तो जैसे आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेड शिक्षक वाले एग्ज़ाम हुई थी, एलटी ग्रेड शिक्षक, तो उसके कुछ परिणाम आए हैं, विषयों के कुछ परिणाम नहीं आए हैं, तो वो अब धीरे धीरे आएंगे क्योंकि अभी चुनाव था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं से के लंबित परिणाम अगले हफ्ते से फिर से रफ्तार पकड़ेगी। उच्च पदाधिकारी लोकसभा चुनाव ड्यूटी पर दूसरे राज्यों में लगी होने से कोई भी परिणाम इस हफ्ते नहीं आया था। उधर एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती में सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम अब तक न आने से किन अभ्यर्थियों का एक समूह 28 को यूपीपीसीएस के घेराव की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही है कि देखिए आपको एलटी ग्रेड शिक्षक 2018 हुआ, एआरओ 2018 आपको मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हुआ, पीसीएस जे 2018 आपको, यूपीपीसीएस मेंस 2017, तो कई ऐसे हैं परीक्षा अभी तक जिसका रिजल्ट नहीं आया और ये आपको अगले हफ्ते से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि 6 विषयों की अभी एलटी ग्रेड शिक्षक के 6 विषयों की अभी आपको रिजल्ट दिया गया है, उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसको रिजल्ट आपको देगा। और दोस्तों, जो डेट बढ़ाने के लिए छात्र थे कि पीसीएस 2018 का मेंस का डेट बढ़ाया जाए, तो छात्रों को निराशा ही हुई है क्योंकि कल इसमें लिखा हुआ है कि छात्र आयोग तो गए हैं लेकिन ना छात्रों में भीड़ थी और ना ही वहाँ अधिकारी कहीं थे, इसके कारण कोई भी परिणाम नहीं आ सका और छात्रों को निराश ही लौटना पड़ा था। तो चूंकि अब समय बहुत कम है तो छात्र जानते हैं कि यूपीपीसीएस एक बार डेट दे दिया है तो फिर वो पीछे नहीं मुड़ता है, ये पहले से 2017-16 हमेशा यही होता है, तो वो हटते नहीं है, पीछे अपना एग्ज़ाम लेते ही हैं। तो दोस्तों, तैयारी कीजिए, समय का भी काफ़ी कम है और 2017 का जो मेंस का परिणाम है वो भी जल्दी आने वाला है। तो अगले हफ्ते से दोस्तों आपको दिखेगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक के सब्जेक्ट का जो भी बचा हुआ है उसका परिणाम आना शुरू हो जाएगा, पीसीएस जे का आपको मेंस का परीक्षा का परिणाम आना शुरू हो जाएगा और एआरओ का भी जो है बचा वो भी परिणाम आपको शुरू हो जाएगा मुख्य परीक्षा का। तो फ्रेंड्स, यही था न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़, तो यही मैं आपको न्यूज़ के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।